देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री बोला है फाइंड आई वन, इस सर्क्यूट में आपको आई वन फाइंड करना है। आरिबासन में ये गेट 1997 का क्वेश्चन है, इसी ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखें कि आई वन कहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस सोर्स का एरो इस डायरेक्शन में, करंट सोर्स का, और ये पूछा इस डायरेक्शन में। आपको मैं बता दूं जिस भी डायरेक्शन में आपसे करंट डायरेक्शन करके पूछ लिया हो, चाहे वो किसी का निगेटिव आ रहा चाहे पॉजिटिव आ रहा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमेशा उस डायरेक्शन के रेफरेंस में आंसर करना है। हम अपनी मर्जी से साइन चेंज नहीं कर देंगे। अगर ये आई वन इस तरफ शो कर रखा है क्वेश्चन में तो यहां पर भी आई वन ऐसे ही शो होगा, यहां पर भी आई वन ऐसे ही शो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन। आरिबास अपने मन से इसको देखते हुए साइन पलटेंगे नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुमसे आई वन पूछा और आई वन का डायरेक्शन बना के रखा है। आरिबास समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस ए नोड को ए मान लेते हैं और बोल देते हैं केसीएल, अप्लाई केसीएल एट ए, ए नोड पे केसीएल अप्लाई करें। तो इनकमिंग कुछ है क्या इस नोड पे? नहीं, इनकमिंग क्या है? जीरो है। आउटगोइंग क्या क्या है हमारे पास? आई वन आउटगोइंग है प्लस 7 एम्पेयर आउटगोइंग है प्लस 5 एम्पेयर आउटगोइंग है। तो यहां से आई वन कितना हो गया माइनस, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 12 एम्पेयर, तो क्या हो जाएगा? बी इज द आंसर। देखो कंफ्यूज करने के लिए ए पर ही कितना है 12 है, कुछ लोग क्या डायरेक्ट काउंट करते हैं 7 प्लस 5 12 देखा आंसर लगा दिया, बट क्या है बी ऑप्शन देखते नहीं हर ब्राट में। और ज्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो ए ऑप्शन, जब भी आपको इजिली अगर ए ऑप्शन आ जाए तो आप अपने आप को रोकिएगा, क्योंकि वहां पे उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एनालिटिकल कुछ चीज छुपी होगी। तो आप ऐसा नहीं कि तुरंत इजी क्वेश्चन पे ए आ रहा है तो उस पर एक बार चार ऑप्शन एक बार रीड करिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बस मुझे यही बता रहा था कि केसीएल इजी और एग्जाम पे उसको उठाता है, कैसे जब बहुत लोग तो प्लस 12 एम्पेयर भी लगा के आए होंगे जो कि गलत हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि आई वन और आई टू कैसा रहेगा। अब देखो इधर यहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो 7 कुछ यहां आया और फिर इस जंक्शन पे कुछ लोग केसीएल लगाएंगे, केसीएल पे 4 आया 7 आया आई टू आई वन, दो अननोन है, एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से देखते, अगर इसमें करेंट सोर्स है तो 7 इधर भी तो आ रहा होगा, उस ब्रांच में 7 एम्पेयर जा रहा होगा, 7 एम्पेयर ऐसे जा रहा होगा, 7 एम्पेयर ऐसे जा रहा होगा, तो उसी डायरेक्शन में आई वन भी कहीं बीच में डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आई वन उसी डायरेक्शन में, देखो सिंबल जिस डायरेक्शन में करंट है ऐसे ही जा रहा है, तो आई वन डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, दैट इज 7 एम्पेयर। आ रही बात समझ में? वैसे ही अगर आई टू देखे तो आई टू का डायरेक्शन क्या है, 4 एम्पेयर ऐसा है, 4 ऐसा हो रहा होगा, 4 ऐसा हो रहा होगा। तो देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है, दूर जा रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू माइनस 4 एम्पियर। सेम डायरेक्शन हुआ तो प्लस में आंसर लगा दिया, अपोजिट हुआ तो माइनस में लगा दिया। इसका मतलब है कि 7 एम्पियर इसी में घूम रहा है, 7 एम्पियर और 4 एम्पियर भी इसी में घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 एम्पियर इस वाले लूप में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसको रिटर्न पाथ वापस नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि हमें केसीएल से क्या पता है, जितना करंट जा रहा उतना करंट वापस आना भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी इस तरह के दो नेटवर्क एक ही पॉइंट से अगर कनेक्टेड है तो वो अपने अपने लूप के करंट अपने अपने में ही फ्लो होंगे। ये कई सारी जगह कॉन्सेप्ट आता है, आपको याद रखना है, ये करंट हमेशा इसी लूप में रहेगा, ये करंट इसी लूप में रहेगा, दोनों आंसर हमारे रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड आई एंड आई एक्स, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करें कि आई और आई एक्स दे कहां रखा है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई एक्स है। तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या फाइंड करना है, तो हमें विजुअल इफेक्ट ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो जंक्शन है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 2 एम्पेयर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करंट देखूं तो दोनों इनकमिंग है 6 प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ 6 प्लस 2 इक्वल टू आउटगोइंग, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 एम्पेयर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 8 एम्पेयर, डायरेक्टली मैं 8 एम्पेयर अभी बोल देता हूँ, ठीक है 8 एम्पेयर। आपको एक चीज बता दूं मैं कि जब भी कभी कोई रजिस्टिव नेटवर्क है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, जब भी कोई रजिस्टिव नेटवर्क है तो जितना करंट उसमें एंटर हुआ है उतना करंट वापस लीव भी करेगा। आ रही बात समझ में?
ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं गेट एग्जाम में, क्या बोलेंगे, जब भी कोई रजिस्टिव नेटवर्क, उधर कोई सोर्स होता तो तब नहीं, जब भी कोई पैसिव नेटवर्क या रजिस्टिव नेटवर्क हो तो वहां पे जितना एंटर करेगा किसी सर्किट में वापस उतना ही करंट क्या होगा, लीव करेगा, क्योंकि केसीएल क्या होगा, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो हम लोग यहां से भी कर देते, ठीक है, आसानी से, बट मैंने दोनों तरीके से लिए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने। सपोज करो मैं यहां लगा देता हूं ए पॉइंट पे, तो केसीएल केसीएल एट ए, तो क्या हो जाएगा, इस पे इनकमिंग कितना है हमारा, आई इनकमिंग है और बाकी सब क्या है हमारा, 2+5 क्या है, आउट गोइंग, 1, 2, 3 थ्री ब्रांच, 1, 2, 3, तो कितना हो गया, आई इक्वल टू 7 एम्पेयर, ठीक है, आई इक्वल टू 7 एम्पेयर हो गया। उसके बाद देखिए, तो अब जंक्शन अगर आई में पता चल चुका है तो ये 6 एम्पेयर है, तो ये भी कितना होगा, 6 एम्पेयर, यहाँ पे भी कितना, 6 एम्पेयर, और यहां से भी कितना, 6 एम्पेयर। तो आप नोड यहां लगाए चाहे यहां लगाए, दोनों जगह पे लगा सकते हो। मैं सपोज करो यहाँ पे बी पे लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगा के देखोगे सेम आंसर आएगा। तो केसीएल केसीएल एट बी, केसीएल एट बी कितना आ जाएगा, इनकमिंग कितना है हमारा, सभी इनकमिंग है देखो, तो आई एक्स प्लस 5+8 इक्वल टू 0, आउटगोइंग कुछ नहीं, तो आई एक्स कितना हो जाएगा, -13 एम्पेयर, आरी बस में दैट इज -13 एम्पेयर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे भी करोगे तो वही आएगा, देखो आई कितना है हमारा, 7, 7 वापस से वही -13 आ चुका है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आंसर्स हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स है जिसका 12 cos ωt - 5 दे रखा है, और तुम्हें क्या बोला है, IR जो दे रखा है उसका इक्वेशन गिवन है, IL ऑफ 0 इनिशियल कंडीशन पे दे रखा है, 1 एम्पेयर पहले से इंडक्टर में करेंट, और यहाँ पे पूछा है फाइंड फाइन। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं A पे, तो KCL एट A, KCL एट A, तो यहाँ पे इनकमिंग क्या है, दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग, तो हम क्या बोलेंगे, 12 cos ωt - 5 प्लस और क्या है इनकमिंग यहाँ पे, IL ऑफ t इक्वल टू आउटगोइंग कितना है हमारा, IR ऑफ t, आई बस समझ में। तो हमें पता है IR ऑफ t क्या है, डायरेक्टली हम लोग IR ऑफ t को अगर रखें तो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ωt - 5 + IL ऑफ t इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 e−3t + 3 e−4t। अब हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे कितना करंट है हमारा, 1 एम्पेयर, तो हम लोग अगर पुट करें इसमें t इक्वल टू 0 पुट करें सब में, तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 cos 0 - 5 + IL of 0 इक्वल टू 4 e·0 + 3 e·0, तो किसी की पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये और cos − 5 क्या निकलेगा, कॉस के अंदर कुछ भी माइनस होए तो भी क्या होगा, प्लस ही होगा, तो 12 cos 5 + 5 + ये कितना दे रखा हमें, 1 दे रखा है इन्फॉर्मेशन, इक्वल टू 7, तो उधर चले गया 6, तो कॉस 5 कितना आ चुका है, कॉस 5 इक्वल टू 1/2, इसका मतलब क्या है, 5 इक्वल टू कॉस 1/2 कब होता है, जब 5 60 डिग्री हो, एंगल 60 डिग्री हो तब क्या होता है, कॉस 1/2। तो इस तरीके से हमको बिल्कुल घबराना नहीं है, केसीएल जैसे ही हमको दिखता जाएगा। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन जैसे ही मैं नोट करूं तो पॉज करिएगा वीडियो को, पहले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा, फिर मेरा वीडियो देखिएगा, हो सकता है आपने नोट कहीं और लगाया हो कहीं और, तो आपको प्रैक्टिस पता चलते जाएगा। देखो क्लासरूम में जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट होगा वो सुन रहा होगा, उन्हें पता होगा कि नेटवर्क कैसे होता है, क्योंकि नेटवर्क स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं कई सारी जगह पे 25 से 30 बार पढ़ा चुका हूँ नेटवर्क, और सभी जगह में जब मेरे से जब इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, तो पहला ही उनका गेट का सब्जेक्ट होता है नेटवर्क, तो उनको मैं बड़े अच्छे से इंगेज करता हूँ, कि टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए, जब वो अपनी गलती निकालते, बट यहाँ वीडियोस में मैं टाइम दे नहीं सकता आपको कि सॉल्व करो, मैं चुपचाप खड़ा रहूं, आप पॉज करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करेगा और फिर सॉल्यूशन देखना मेरा, ठीक है। तो आपका एबिलिटी पता चलेगा, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूँ, ठीक है, आप जितना अच्छे से आप लर्न करेंगे उतना अच्छा फायदा होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिक्स क्वेश्चन हो गए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग KCL में, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं बिल्कुल भी। देखो इस क्वेश्चन में पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, दैट इज डिपेंडेंट सोर्स। आरी बस समझ में, डिपेंडेंट सोर्स तुम्हें फाइंड क्या करना, IA IB IC फाइंड करना है, ठीक है। और तुम्हें क्या दे रखा है, कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स और एक क्या दे रखा है, डिपेंडेंसी। आपको आज एक चीज बताता हूँ, जब भी इस तरह से डिपेंडेंट सोर्सेस कभी लगे हो तो उसमें जिसपे डिपेंडेंसी, सपोज करो इस पे यहाँ पे डिपेंडेंसी है, वेट अ मिनट, Vx पे डिपेंडेंसी है यहाँ पे, तो इस डिपेंडेंसी का कहीं ना कहीं सर्किट में क्लू दे रखा होगा। कहाँ क्लू दे रखा है, यहाँ पे देखो, हमेशा जब भी डिपेंडेंसी होगा तो पूरे सर्किट में इसका कहीं ना कहीं पैरामीटर का क्लू छुपा होगा, उस क्लू को क्रैक करना है, बस इतना ही काम करना है तुम्हें। तो डिपेंडेंट में कैसे क्रैक करेंगे, धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल में देखते जाएंगे। अब देखो इधर, सबसे पहले अब हमको KCL से ही सॉल्व करना है, इसके वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट हम लोग अभी नोडल वोडल कुछ नहीं लगाना, तुम्हारा मन करेगा नोडल लगा ले, बाकी नोडल नहीं लगाना, KCL से सॉल्व करो। नोडल जब पढ़ेंगे तब लग, जब मैं एक बार पढ़ा दूं तब जो मेथड हो वो सॉल्व करना, क्वेश्चन नोट करना और पहले पॉज करके सॉल्व करना इस क्वेश्चन को अपने तरीके से, ठीक है। और नहीं आए नेटवर्क में कई बार क्या होता है, हम तुरंत तुरंत सॉल्यूशन देखते हैं, तुरंत नहीं, जितना ज्यादा कटपिट होगा तुम्हारी कॉपी में उतना अच्छा नेटवर्क सीखोगे, उतना अच्छा जितना तपोगे, जितनी तपस्या करोगे उतना निखार आएगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग देखते हैं कि ये पोटेंशियल और इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, यहाँ का भी बीच में कोई भी नहीं, तो सबको मैं पकड़ के एक जगह पे लगा सकता हूँ, एक जगह पे सब पॉइंट्स को खींच के मैं एक पॉइंट पे एक पॉइंट बना सकता हूँ। कहने का मतलब है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए करा है इतना, सारे पोटेंशियल क्या है, एक ही वोल्टेज, अब इन सारे पॉइंट्स सारे नोड के ऊपर क्या है, एक ही वोल्टेज अप्लाई हो रहा, मतलब ये असल में एक ही नोड है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस नोड पे ये इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ मैं, आज एक चीज और इंट्रोड्यूस करता हूँ, सपोज करो ये वाली ब्रांच लेते हैं, ये वाली ब्रांच, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कोई ना कोई ग्राउंड है, ये सारे के सारे नोड क्या है हमारे, ग्राउंडेड है, ठीक है। तो पूरे नेटवर्क में एक ग्राउंड मानना पड़ेगा, एक ग्राउंड नोड कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज ये ग्राउंड नोड हो गया। तो हम क्या बोले कि अगर ये वाली ब्रांच ले लू मैं, तो सपोज करो एक नोड है और इसके बीच में क्या है, एक रजिस्टर है और नीचे क्या है, ग्राउंडेड है, दैट इज प्लस Vx 18 ओम। तो जब भी कभी इस नोड, एक नोड और ग्राउंड के बीच में अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नोड वोल्टेज कहलाएगा। आरी बात समझ में, कैसे ये नोड वोल्टेज जो भी है Vx लिख देते हैं, और साइन कौन सा लेंगे, जो ऊपर की साइड साइन है, दैट इज प्लस Vx। अगर माइनस ऊपर होता तो क्या लिखते थे हम लोग, माइनस Vx। आई बात समझ में, तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी एक नोड और ग्राउंड के बीच में एक एलिमेंट है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, नोड वोल्टेज होगा, और साइन कैसे लोगे, जो ऊपर है वही क्या हो जाएगा, साइन ले लोगे। आई बात समझ, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। तो ये सीखने के बाद अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना है Vx, और ये सब पैरेलल में है, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज हम लोग Vx कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है, नाइन के क्रॉस भी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ के क्रॉस आईए करंट लिखना पड़े, आईए करंट, तो मैं क्या लिख दूंगा कि आईए करंट एंटर कर रहा है किससे, पॉजिटिव से, इसका मतलब आईए इक्वल टू Vx डिवाइडेड बाय 80, Ix डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नाइन वाली ब्रांच ले लू तो वहां पर भी कितना होगा, प्लस माइनस Vx, नोड वोल्टेज तो Vx सही है 9 ओम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आईसी करंट, तो आईसी करंट ओम्स लॉ लगा दिया मैंने जस्ट, तो आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा Vx डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब मैं बताता हूं, सपोज करो ऐसा अगर हो जाए कि सपोज करो एक रजिस्टर यहाँ है, ये कितना है 2 वोल्ट हो गया, ये कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया, और ये ग्राउंडेड है और ये नोड, इस नोड का वोल्टेज 2 वोल्ट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, 2 वोल्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस नोड से एक्चुअल में ये है नॉन रेफरेंस नोड और ये है रेफरेंस नोड, आगे जब मैं नोडल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इस नोड और एक ग्राउंड के बीच का जो टोटल वोल्टेज है वो नोड वोल्टेज होगा। नोड वोल्टेज क्या होगा, उस स्ट्रिंग का, उस ब्रांच का टोटल वोल्टेज अपीयर होगा। अरे बात समझ में, सिर्फ यहाँ अगर मैं प्लस 2 लिख दूंगा ये साइन के साथ प्लस 2, दैट इज रॉन्ग, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लस करके ऊपर लाना पड़ेगा,
ठीक है, तो अभी सिर्फ एक ब्रांच दे रखा है, तो अभी ये समझो कि नोड और ग्राउंड के बीच में जो ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज होगा वही अपीयर करेगा। ठीक है, अब हम लोग केसीएल अप्लाई करें अगर इस नोड पे, इस नोड को मान लो मैं ए नोड मान लेता हूं, इस पे केसीएल अप्लाई करें अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा इनकमिंग, कितना है हमारा इनकमिंग 5.6 हमारा क्या है इनकमिंग, और क्या है इनकमिंग नहीं, बाकी सब क्या है हमारे आउटगोइंग, दैट इज आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, क्या है और क्या है हमारा आउटगोइंग प्लस टू एम्पीयर। आरी बात समझ लो, अब देखो इधर उस साइड ले जाएंगे, टू को उस साइड ले गए तो क्या कितना हो जाएगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 3.6। ठीक है 3.6, आईए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं आईए, वीएक्स डिवाइडेड बाय 18, दैट इज वीएक्स डिवाइडेड बाय 18 प्लस आईबी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो इधर डिपेंडेंसी वाला जो है 0.1 वीएक्स, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पे 0.1 वीएक्स प्लस आईसी क्या है, अभी निकाल लिया हम लोगों ने, वीएक्स डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6। एलसीएम लेंगे और वीएक्स निकालेंगे, एक इक्वेशन एक अननोन, तो यहां से क्या पता चल जाएगा हमें वीएक्स इक्वल टू 54 वोल्ट, ये कितना हो गया वीएक्स आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है आईए आईबी, अब जब वीएक्स 54 आ चुका है तो आईए हमें तुरंत पता चल जाएगा आईए कितना है 54 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना हो जाएगा 18 टाइम्स 54 एम्पीयर, दैट इज आईए 3 एम्पीयर। आईबी कितना हो जाएगा, आईबी आईए कितना हो गया 3 एम्पीयर, आईबी कितना हो जाएगा आईबी इक्वल टू माइनस 0.1 वीएक्स, तो वीएक्स पता चल गया हमें, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 5.4 वोल्ट। ठीक है, और आईसी कितना हो जाएगा पता, वीएक्स डिवाइडेड बाय 9, तो 54 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 6 एम्पीयर। आरी पास समझ में, तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी पॉइंट सीखे, क्या सीखा है कि जितने भी नोड है उसको एक नोड मान के हम लोग केसीएल लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, ये सीखा हम लोगों ने। उसके बाद नोड वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कि एक नोड क्या होता है, इट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ दिस ऑफ दैट ब्रांच, जिस भी ब्रांच से नोड कनेक्ट है उसका टोटल वोल्टेज उस नोड वोल्टेज पे अपियर करता है, वो कैसे हुआ, कैसे साइन को ऊपर करेंगे, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से हम लोग आंसर लेके आ गए इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।